तो दोस्तों आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट भी की थी और सारे कमेंट्स मैंने काफ़ी लोगों के ये कन्फ्यूजन देखे हैं विटामिन B12 को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये जो वीडियो है मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स दूंगा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ 9 सिम्टम्स, ऐसे कॉमन सिम्टम्स जो B12 क्रिएट करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो कि सभी की बॉडी अलग होती है दोस्तों, सभी के मेटाबॉलिज्म अलग होती है। ठीक है, लाइक जरूरी नहीं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से जो मुझे सिम्टम्स होगा एग्जैक्ट वो आपको ही होगा, लेकिन उसमें से कुछ कुछ कॉमन है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये जरूर आपने इसमें से कोई ना कोई एक एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है हार्ट पैल्पिटेशन। ठीक है, काफी लोगों को हार्ट पैल्पिटेशन से एंजाइटी डेवलप होती है। ठीक है, जैसे उन्हें कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, ऐसी डेवलपमेंट होती है एंजाइटी की। ठीक है, तो ये एक सिम्टम्स है विटामिन B12 का, जो हार्ट पैल्पिटेशन होती है, कहीं हार्ट रेसिंग होती है, स्किप हार्ट बीट होती है। ठीक है, तो ये चीज उसमें होती है। और जो दूसरा है दोस्तों वो होता है बैलेंस प्रॉब्लम। बैलेंस प्रॉब्लम में लाइक उनको ऐसा लगता है कि अभी मैं गिरने ही वाला हूं जस्ट। ठीक है, ऐसे हम लोगों को डाउट होती है और बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और जो थर्ड है दोस्तों वो है टिंगलिंग। टिंगलिंग हम लाइक काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि लाइक यहाँ पर उनकी कुछ नर्व ऐसे मूव होती है तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ लाइक बीमारी हुई है मुझे, जो डॉक्टर्स नहीं पता कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम टिंगलिंग कहते हैं, जो यहाँ पर ऐसे वाइब्रेट होती है, जो वाइब्रेट टाइप होती है उसे हम टिंगलिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है, हमारी जो पुअर कंसेंट्रेशन है, लाइक हमारी जो पुअर मेमोरीज है वो पूरी तरीके से पुअर हो जाती है, हमें कंसेंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, कुछ चीजें याद रखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि विटामिन B12 हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन इन दोनों पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, और जो सिक्स्थ है दोस्तों वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ काफी कॉमन है, ये आप लोगों को लाइक सभी लोगों को लाइक कंफ्यूजन होता है कि क्योंकि देखो कोरोना में भी सिम्टम्स ये था, B12 में भी ये सिम्टम्स है और काफी अलग अलग डिसीज में ये सिम्टम्स होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, ये एक विटामिन B12 की सिम्टम्स है। और दूसरी लाइक ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये काफी लोग देख सकते हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छा सिग्नल है, लाइक आपको पता चल जाएगा फटाक से। ठीक है, कि मुझे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई है। तो जो ये सिम्टम्स है वो है पेल स्किन, लाइक हमारी जो स्किन होती है वो येलोइश हो जाती है, हमारे आंखें जो है वो भी येलो हो जाते हैं। ठीक है, टंक, कई कई बार जो छाले पड़ते हैं हमारी टंक में, उससे भी हमें ये पता चल सकता है कि हमें विटामिन B12 की कमी है। ठीक है दोस्तों, और जो बाद में का जो सिम्टम्स है, जैसे कि आप लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है, इसमें काफी चांसेस है और इससे एंजाइटी और डिप्रेशन डेवलप भी हो जाते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। ठीक है, न्यूरो कनेक्शंस में भी प्रॉब्लम होते हैं हमारे, लाइक ब्रेन के भी और कहीं पर भी हमारे जो न्यूरो कनेक्शंस है वो वीक हो जाते हैं जब हमारी बॉडी से विटामिन B12 कम होता है। ठीक है दोस्तों, और हमारी आंखों की प्रॉब्लम भी होती है, डिस्टर्बेंस, ठीक है, ब्लरी विजन होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हमें ऐसा लगता है कि रियलिटी नहीं है, तो वो ब्लरी विजन भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होती है। अब मुझे जब B12 की डेफिशिएंसी हुई थी, ठीक है, मतलब पहले मेरा विटामिन D3 कम हुआ, उसके बाद जब मेरा विटामिन B12 भी ड्रॉप होने लगा, तब मैंने काफी सारे डॉक्टर लोगों को दिखाए थे कि सर मुझे ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप लोगों को लाइक उन्होंने मुझे एक प्रॉपर ट्रीटमेंट बताई कि आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो एक अच्छा डॉक्टर आप लोग फाइंड कर लीजिए, ठीक है, जो न्यूट्रिशंस पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, थीके? तो ये चीज आप पहले देख लेना, जो भी आपके आसपास में अच्छा डॉक्टर है जो न्यूट्रिशंस डेफिशिएंसी को अच्छे से ट्रीट करता है। तो मैंने भी वही किया दोस्तों, उन्होंने मुझे लाइक पहले तो 7 इंजेक्शन दिए, ठीक है, B12 शॉट्स जो 1000 mcg के होते हैं। ठीक है, बट उससे मुझे ऐसा लगा कि मैं रिकवर नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, लाइक मेरे अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई, बट धीरे धीरे जैसे मैंने लाइक मैं जैसे ही वॉशरूम चला जाता था तो जो इंजेक्शन मैंने इनपुट किए थे मेरी बॉडी में, तो वो यूरिन के थ्रू, बाथरूम के थ्रू निकल जाती थी, बिकॉज मेरी जो यूरिन है वो पूरी तरीके से रेड हो जाती थी जब मैं शॉर्ट्स लेकर आता था, ठीक है, विटामिन B12 की, तो मेरी यूरिन जो है वो पूरी तरीके से रेड हो जाती थी, मतलब जो मैं ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा था मुझे, ठीक है, मेरी बॉडी उस चीज को, इतने हैवी डोसेज को वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रही थी। ठीक है,
मैंने क्या डिसाइड किया दोस्तों कि मैं शॉर्ट्स तो लूंगा, बट उसके साथ साथ मैं देखो अब काफी लोगों की ये भी क्वेश्चंस आएंगे कि सर आपने कौन से शॉर्ट्स लिए थे मिथाइल कोब्लामाइन के, या कुछ अलग अलग कमेंट्स आएंगे ठीक है, तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, बट लेकिन मेडिसिन के बारे में नहीं दोस्तों। मैं आप लोगों को कोई भी अगर हेल्प होगी तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आप में वहां पर हेल्प करूंगा कि आपको किस तरफ जाना है ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपकी हेल्प कर पाऊंगा मैं, बट मेडिसिन मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रेफर नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि अगर मैंने आप लोगों को लाइक अगर मेडिसिन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ और अगर आप पे वो सूट नहीं करती है तो आप लोगों को तकलीफ होगी, इसीलिए मैं मेडिसिन के बारे में नहीं बताना चाहता ठीक है दोस्तों। तो मैंने जैसे शॉर्ट्स लेता था उसके साथ साथ मैं डाइट भी अच्छे से फॉलो करता था, और मैंने डाइट भी बहुत अच्छे से पिछले वाले वीडियो में बताया है, मैं उसी डाइट प्लान को फॉलो करता था प्लस ये B12 शॉर्ट्स के साथ साथ ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, मेरी जो कंसंट्रेशन पावर है वो फिर से डेवलप होने लग गई, मतलब फिर से अच्छे होने लग गए, और मेरी मेमोरी इश्यूज भी खत्म होने लग गए थे, मेरी बैलेंस प्रॉब्लम जो डिजीनेस मुझे होती थी ये सारी चीजें खत्म होने लग गई थी, और जो टिंगलिंग मतलब जितने भी मैंने आप लोगों को सिम्टम्स बताए वो सब कुछ धीरे धीरे कम होने लग गया था, और जो एक स्पेशल उसमें ये भी था मतलब मुझे ऐसा हुआ था विटामिन B12 में जो मेरे ईयर्स थे ठीक है वहां पर अजीब सा एक रिंग करके साउंड होता था, मतलब मैं ऐसी बैठा हूं और अजीब सा एक साउंड होता था और मैं डर जाता था ठीक है दोस्तों। तो जब मैंने विटामिन B12 की अच्छे से ट्रीटमेंट ली ठीक है, मैंने खुद उस चीज को समझ चुका था कि ये कैसे होता है ठीक, तो जब मैंने ये सारी चीजों को कम्प्लीटली लाइक ट्रीटमेंट मैंने फॉलो अप की अच्छे से डाइट प्लान के साथ, और मैंने कोई देखो दोस्तों मैंने कोई ज्यादा मेडिसिन नहीं ली है ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को नेचुरल ट्रीटमेंट में ही ज्यादा फोकस करने के लिए कहूंगा, बिकॉज क्या है हम जितना मेडिसिन कंज्यूमर बनेंगे उतना ही हमें प्रॉब्लम होने वाली है ठीक है, इसलिए मैं नेचुरल वे के लिए ज्यादा प्रेफर करता हूँ लोगों के लिए ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेडिसिन लाइक वो हमारी बॉडी में ऑब्जॉर्व नहीं होते, और जब ऑब्जॉर्व होते हैं तो कुछ टाइम बाद वो डिजॉल्व भी हो जाते हैं और फिर से हमें वो सारे सिम्टम्स होने लगते हैं, इसीलिए तो आज मुझे तकरीबन 1 या 1.5 साल हो गया है दोस्तों, और मैंने कोई लाइक ना विटामिन डी की मेडिसिन ले ली है, ना ही B12 की, ना मैग्नीशियम, ना ओमेगा 3, ना कोई भी चीज ऐसे, मैंने कोई भी मेडिसिन अब नहीं ले रहा हूँ ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो गए हैं मुझे ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए नेचुरल ट्रीटमेंट जो होता है वो आपको परमानेंट ठीक करता है, बट क्या होता है ना हम मेडिसिन के थ्रू क्या होता है वो कुछ टाइम के लिए हमें जल्द से जल्द ठीक कर देते हैं ठीक है, बट लेकिन कुछ दिन बाद हमें ये प्रॉब्लम फिर से होती है क्योंकि हमने इसे प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं दिया ठीक है दोस्तों। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिला होगा, इन्फॉर्मेशन मोटिवेशन मिली होगी कि आप इस चीज से निकल जाओगे ठीक है। अब कोई भी आप लोगों को डाउट होगा या कोई भी आप लोगों को क्वेश्चंस होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स जरूर कीजिए, मैं वहां पर आप लोगों के आंसर दे दूंगा। हालांकि कुछ टाइम से थोड़ी बिजी शेड्यूल चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कॉल्स अटेंड करने पड़ रहे हैं ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से मैं ज्यादातर बिजी रह रहा हूँ, बट लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो जैसे कि मैंने आप लोगों को वादा किया था वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। और एक गुड न्यूज है दोस्तों, कल मैं आप लोगों के लिए प्रॉमिस लाइव सेशन करने वाला हूँ ठीक है दोस्तों, तो आप कल इवनिंग 6 PM को रेडी रहिए जो भी आपके क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस के साथ ठीक है, और आपको वो सारे आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।